दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मित्र अनुराग और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ डाइटरी स्ट्रेटजीज और ये आउटलाइन कौन करेंगे। इनका नाम है ट्रिस्टन ली। बहुत सारे लोग कहते हैं इज लाइक द फिटेस्ट किड इन द वर्ल्ड, क्योंकि इनका जो इन्होंने ऑलमोस्ट पूरे साल अंडर 5% बॉडी फैट मेंटेन किया और ये कहते हैं नेचुरल है। अगेन हम ये डिस्कस नहीं करने वाले कि वो नेचुरल है कि नहीं है, लेकिन हम डिस्कस करने वाले हैं एक डाइटरी स्ट्रेटजी से कहते हैं रिवर्स डाइटिंग। रिवर्स डाइटिंग का मतलब ये होता है अगर आप बहुत लीन होते हैं तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कैसे कैलोरीज ऐड करें ताकि मसल मास ऐड कर सकें और तब भी लीन रहे। तो आउटलाइन द होल प्रोसेस। लेकिन उससे पहले एक नया कुछ कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। जैसे लास्ट मेरी वीडियो में मैंने वे प्रोटीन के ऊपर बनाई थी, वो यहाँ पे लिंक है। जब इंडियन एक्सप्रेस वालों ने बोला था कि जो वे प्रोटीन है इट्स लाइक डेंजरस फॉर योर लिवर, फॉर योर किडनीज, फॉर योर हार्ट, तो आई रिफ्यूटेड द क्लेम विद अ लॉट ऑफ एविडेंस। तो तब हमारे एक सब्सक्राइबर है मेहर बोहर बोहार करके, तो मेहर अगर आपका नाम गलत सीखे से बोला हो तो सॉरी फॉर दैट। उन्होंने बहुत ही अच्छा कॉमेंट डाला था, वो था कि उन्होंने कहा इसका जवाब दीजिए कि अ प्रोटीन पाउडर इज अ डाइटरी सप्लीमेंट, द एफडीए लीव्स इट अप टू मैन्युफैक्चरर्स टू वैल्यूएट the safety and labeling of products. There is no way to know if a protein powder contains what manufacturer claims. Absolutely, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। और ये चीज बहुत कॉमन है कि कहते हैं 25 ग्राम प्रोटीन होता है और अंदर निकलता 10-12 ग्राम है। अमीनो स्पाइकिंग एक बड़ी ही कॉमन माल प्रैक्टिस है सप्लीमेंट इंडस्ट्री में। और उसके बाद उन्होंने फिर एक नॉन प्रॉफिट ग्रुप है क्लीन लेबल प्रोजेक्ट को बोलते हैं, और उसमें और बिल्कुल सही बात उन्होंने बोली और बहुत ही अच्छा कॉमेंट था इनका कि बहुत सारे सप्लीमेंट्स में जब उनको टेस्ट किया गया उनमें बहुत सारे टॉक्सिन्स निकले, तो फिर वे प्रोटीन को सेफ कैसे बोलेंगे। तो पहले बात मेयर की ये बात ना सिर्फ वे प्रोटीन को लेकर नहीं है, इट्स बेसिकली कॉमन टू मोस्ट ऑफ द सप्लीमेंट्स। और सिर्फ बात सप्लीमेंट्स को लेके भी नहीं है, ये बात फूड को लेके। अगर हम दूध की बात करते हैं जो कि इंडिया में कितना कंज्यूम होता है, बहुत कम सैंपल्स जब उनको टेस्ट किया जाता है उनमें प्रॉपर निकलता है, मतलब उनमें टॉक्सिन्स निकलते हैं, किसी में डिटर्जेंट निकलता है, कुछ ना कुछ निकलता ही निकलता है। तो और आप फ्रूट्स की बात करो, वेजीज की बात करो, जो पेस्टिसाइड्स हैं उनके हमेशा चीज ऊपर ही निकलती है। तो आई डोंट नो उसको सॉल्व कैसे किया जाए। लेकिन अगेन बात ये थी कि जो वे है, वे प्रोटीन है, तो वो अकेला इस कैटेगरी में नहीं है। लेकिन जब भी अगर कोई वे लेना हो, इसलिए मेरे रिकमेंडेशन में ये रहती है, ए पहले वे इज अ प्रोसेस प्रोडक्ट, कभी भी इसको फूड के ऊपर ना लें कि आप वे को फूड से ऊपर वो रख रहे हैं। और दूसरा पार्ट ये रहता है कि जो वे है अगर आप ले रहे हैं तो वे में अगर कम से कम एडिटिव्स हों जैसे कि फ्लेवरिंग्स हो गई या स्वीटनर्स हो गए उतना अच्छा होता है। तो इनकेस खासकर जो मेरे गट वाले क्लाइंट्स होते हैं, मैं बहुत से लोगों से डील करता हूं जिनको आईबीएस के इश्यूज हैं आजकल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और वो अगर कोई बॉडी बिल्डिंग का इच्छुक है तो आईबीएस से नहीं कर पाता। इनकेस यू वॉन्ट टू गेट यू आईबीएस ट्रीटेड, प्लीज फील फ्री कॉन्टैक्ट, ड्रग फ्री ट्रीटमेंट होता है, कोई फैंसी सप्लीमेंट्स, कोई कुछ नहीं। सेम गोज टू टाइप 2 डायबिटीज, अगर आपके घर में किसी को है फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। फैटी लिवर है, एक महीना लगता है ठीक करने में, 1.5 महीने में यू कैन रिवर्स योर फैटी लिवर पार्ट और नेचुरल बॉडी बिल्डिंग भी। तो आई गेस ये हो गया इस कमेंट का आंसर। और इन केस आपको क्वेश्चंस हैं कमेंट्स कीजिए और क्वेश्चंस पूछिए, आई गेस वो हमेशा सही तरीका होता है हर किसी का नॉलेज बढ़ाने का। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, ट्रिस्टन ली की वीडियो है और देखते हैं क्या बोलते हैं। लेट्स रिएक्ट टुगेदर। अंग्रेजी है ना भाई। 1800 calories per day, training 7 days per week, often twice a day, doing HIIT cardio 3 to 4 times per week, averaging 15 to 20,000 steps per day, and probably 7 or 8% body fat. ओके सो ये जो अभी इन्होंने किया, तो 3-4 स्ट्रैटेजीज इन्होंने आउटलाइन की। पहला था कि कैलोरीज कितना कम कर रहे हैं, उसका 7 days a week ये ट्रेन कर रहे हैं, उसके बाद 15 to 20,000 स्टेप्स, ये काफी सारे लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैक्सिमम लोग हमेशा डेस्क जॉब करते हैं। एक आप लोगों को मैं ट्रिक देता हूँ, वो क्या करें, जैसे अगर वर्कआउट करना हो आपको स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है उस चीज के लिए, तो उस डिसीजन का एक एफर्ट होता है। लेकिन वॉकिंग की बात करें तो जैसे एक ऐप होती है पोमोडोरो टाइमर बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है 25 मिनट का टाइमर सेट कर सकते हैं। अब 25 मिनट के लिए काम कीजिए, 45 मिनट के लिए काम कीजिए, उसके बाद आपको 5 मिनट की ब्रेक मिलती है। तो 5 मिनट करते करते दिन के आराम से 10,000 स्टेप्स पूरे कर सकते हैं विदाउट इवन वर्किंग आउट। ठीक है, तो इस टाइप की चीजें याद रखिए, इसको बोलते हैं नॉन एक्सरसाइज एनर्जी एक्सपेंडिचर। आप जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए, और ये ना कोई स्ट्रेस पे भी नहीं आएगा कि वर्कआउट करने जाना है, अलग टाइम निकालना है, नहीं, ये नॉर्मल लाइफ में से आराम से निकल सकते। जस्ट यू हैव टू बी लिटिल स्मार्ट अबाउट इट। Let me know in the comment section down below. I was going absolutely insane mentally. Fast forward 6 months later, in this video I'm eating 3,000. हाँ, और मतलब जैसे जब इस पर्सन बॉडी फैट पे थे, इतना वर्कआउट कर रहे थे, he definitely ये कह रहे हैं कि इनका दिमाग खराब हो रहा था, होना ही था। अब क्या है, अब 6 महीने बाद plus calories per day, training 4 to 5 times per week, eliminated all HIIT cardio, averaging 7 to 9,000 steps per day, sleeping like a baby, and also apparently looking like one. I know. I look young. I'm guessing in this video I'm probably around the 8% body fat or so, but you guys can let me know in the comment section down below. Today we're gonna break down my entire reverse diet leading into my current bulking phase that has allowed me to stay relatively lean while putting myself in a better position to pack on some more muscle mass. Let's get into it. तो इनको काफी ये क्रिटिसिज्म मिला था कि इतने टाइम से भाई तुम इतने कम बॉडी फैट परसेंटेज पे क्यों हो, लाइक वी अंडरस्टैंड कि तुम लीन रहना चाहते हो। तो उन्होंने फिर क्या किया कि लीन होना इनके लिए बड़ा एक मेंटली हुआ कि मुझे लीन ही रहना है। तो अब अपनी रिवर्स डाइटिंग प्रोटोकॉल जो एक्सप्लेन करेंगे, जिसे 3-4-5% बॉडी फैट से 7-8%
परसेंट बॉडी फैट पे आए हैं और पहला चेंज इन्होंने क्या किया था कि HIIT कार्डियो सारा निकाल दिया था, लेकिन फिर भी वाज एवरेजिंग 7 to 9,000 स्टेप्स अ डे। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, गेटिंग दिस NEET इज सुपर डुपर इजी एंड एवरीबॉडी शुड बी डूइंग इट। लेट्स रिएक्ट इनका साला प्रोसेस के आगे। Myself into quite the negative cycle of burn more, eat less, justified or not by my body dysmorphia and irrational perception of how I viewed myself. Okay, so this is very important. इसे body dysmorphia बोलते हैं और ये मैं देख रहा हूँ बॉडी बिल्डर्स में बहुत होता है, क्योंकि when you get too obsessed with how you look, कभी भी आपको कोई चीज पूरी नहीं पड़ेगी। जैसे let's say you bulking, you want कि आधा इंच biceps का और हो जाए, you get a little more wider। जब आप lean होते हो तो थोड़ा body fat और कम हो जाए। मतलब आप it's good कि आप critical हो अपने लिए, लेकिन हमेशा critical होना भी जरूरी नहीं होता। और उससे क्या होता है, जैसे देखो ये जो concept है ये वाला कि ईटिंग लेस एंड वर्किंग आउट मोर, इससे कुछ टाइम के लिए करेंगे तो ठीक है, लेकिन आप इस प्रोसेस को सालों साल नहीं रख सकते। और मैं देखता हूँ बड़े सारे कोचेज जब किसी को ट्रेन करते हैं या किसी को वेट लॉस डाइट पे डालते हैं, मैं बॉडी बिल्डर्स की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल इंसानों की बात कर रहा हूँ, देखता हूँ खाने में कुछ होता ही नहीं है और उसके बाद टन्स एंड टन्स ऑफ कार्डियो एंड एक्सरसाइज दिस एंड दैट, सो यू विल बर्न आउट दैट वे। इसीलिए बड़े लोगों का भी वेट लॉस करना एक बहुत बड़ा वो लगता है कि पता नहीं कोई स्पेशल बूटी आएगी तभी होगा। दिस इज नॉट रियलिटी। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपकी अप्रोच ही गलत है। It took me from eating 2,800 calories all the way down to eating 1,800 calories, all the while increasing my cardio from essentially no cardio all the way up to, as I said, doing 4 to 5 HIIT sessions per week and averaging 15 to 20,000 steps per day. Now, I'm not going to dive too deep into the negative and detrimental effects of maintaining that sort of lifestyle and exercise habits for an extended period of time, but I figured I'd be transparent in saying that maintaining those specific habits is not in any way sustainable, and in these past few months, I've really realized how unnecessary it is to live that way. ओके, अब ये चीज अनसस्टेनेबल हर इंसान के लिए अलग अलग है। ये तो जैसे जो ट्रिस्टन बात कर रहे हैं इस टाइम पे, ये तो मोस्टली लोगों के लिए अनसस्टेनेबल है, क्योंकि आप इतने कम बॉडी फैट परसेंटेज पे हो गए, आपकी नींद ढंग के नहीं हो गए, आपके जो नेचुरल टेस्ट लेवल्स प्रोवाइडेड इज नॉट टेकिंग समथिंग एग्जॉजनसली वो बहुत अजीब होंगे, आपका मूड बहुत क्रैंकी होगा। आपने देखा कई लोग अगर बहुत सारा वर्कआउट कर रहे हैं, खाना बहुत कम खा रहे हैं, क्रैंकी होंगे। कब तक क्रैंकी रहोगे? देखो मोस्टली लोगों को क्या होता है कि पेट अंदर करना है, पहला स्टेप क्या होता है, पेट अंदर करने से फ्लैट पेट करना, वहां से उसके बाद अगर आपको एब्स चाहिए आपको सफर करना पड़ता है, लेकिन for let's say a month or 6 weeks इससे सफरिंग करोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो दिस इज नॉट हाउ वी शुड बी लिविंग। आइडियली आई वुड से अगर पूरे साल में एक्सरसाइज करते हो, डाइट करते हो, तो 10 मंथ्स ऐसी डाइट एक्सरसाइज रूटीन होनी चाहिए जो आप लाइफ लॉन्ग सस्टेन कर सको। Sedentary individuals who aren't really exercising, yes, sometimes this can be a motivator and an easy tool to consistently lose weight as you go through that initial stage, but for long-term success and for individuals who are already trained, I think it's important to put your focus on progression of the training, to focus on building muscle rather than just constantly burning. Anyways, that's enough about the past. Let's get into the structure of my reverse diet. एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट और यहाँ पे था, कहते कि मतलब मैं हमेशा लोगों को ये बात बोलता हूँ कि जिम में जा रहे हो डोंट गो विद द एम ऑफ लूजिंग वेट। जिम में जा रहे हो तो यू शुड हैव दिस एम गेटिंग स्ट्रॉन्गर, बिल्डिंग मोर मसल, उस चीज के लिए जिम है। उसके बाद जो कार्डियो है और जो आपकी डाइट है, दैट विल टेक केयर द फैट लॉस पार्ट या इफ यू वांट टू बिल्ड अप मसल, लेकिन उस टाइम पे द एम शुड बी बिल्डिंग मोर मसल एंड गेटिंग मोर स्ट्रॉन्गर। Back in November of 2021, I knew I had to make a pretty major shift in my diet and exercise regimen, knowing that I was already regressing. I knew that an immediate jump from 1,800 calories where I was at with all of the training load to 3,000 calories with none of the training load would put just as much of a shock on my body as being in a starvation state. Knowing how I am and how I almost always live in extremes, I knew that I needed a specific protocol and a specific plan that I could follow to the T to make sure that I'm not getting sidetracked based off of other factors. Each week, I added an additional 50 calories to my daily caloric intake, and I monitored my weight to see where I was progressing. There were really only three scenarios here and potential adjustments that I could make. One, if my weight was still dropping, being that I was in a caloric deficit already, I would continue to increase my calories and make the decision on whether or not it'd be smart to make bigger jumps with my caloric intake to get out of that danger zone. 2, if my weight was maintaining, I would continue to increase my calories by 50 per week as I previously planned. 3, if my weight was increasing, which means that I'm in a caloric surplus and which is where I want to be during this whole bulking phase, then I would monitor my weight closely and see if I need to adjust the surplus to more or less if I'm getting weight too rapidly. Because my hunger cues were so thrown off from एक चीज और बता दूं कि जो एग्जैक्ट कैलोरिक नंबर उनका मतलब बनता नहीं है। हर किसी पहले सबसे पहला स्टेप पे अगर इफ यू वांट टू गेट इनटू ऑल कैलोरी थिंग्स, कैलोरीज की सबसे अच्छी बात क्या होती है, आपको एक स्ट्रक्चर देता है। स्ट्रक्चर जब आपके पास होता है तो आपको पता है काम कैसे करना है। तो सबसे पहले आप देखो कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैलोरीज आपके वेट के साथ कैसे रिलेशनशिप बनाती है, पहला स्टेप होता है उसका। लेट्स से आप लीन होना चाहते हैं तो आप बहुत लीन हो गया, इसी से कैलोरीज कम करते गए तो अब जब यू नो कि यू आर एट अ प्लेस जहां पे आप इससे लीन नहीं होना चाहते, तो उसके बाद अगर इफ यू वांट टू बिल्ड सम मसल, ऐसा नहीं होता कि आप 500-700 कैलोरी एकदम ऐड कर दोगे तो हो सकता है यू माइट गेट अ लिटिल चबियर ऑल एट वंस और आपको पता ना चले कि बॉडी रिएक्ट कैसे कर रही है। तो सही तरीका अगर जैसे ट्रिस्टन 50 कैलोरीज की बात की, 50 कैलोरीज ऑलमोस्ट नथिंग, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप 150-200 कैलोरीज जो है हर वीक ऐड कीजिए, और हर वीक उसका एसेस करने के बाद आप हर वीक की जो अपना डाइट प्लान है, आपके जो मैक्रोज हैं उस वीक के लिए, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो इट्स लाइक कि स्लोली इंक्रीज करना कैलोरीज। Chronic dieting as well as the chronic exercise, I knew that I had to be very specific and very particular with my planning of my caloric increases. From where I was at, which is around 1800 calories all the way up to now, where I'm at 3,100 to 3,200 plus calories, it's about a 1,300 calorie jump. Now, knowing that from November until May is about 6 months or so, it would take me 20
26 weeks, adding 50 calories each week in order to get to where I'm at. And I followed that pretty much right to the T, not to the point where I'm actually gaining weight, which is what I want. So the key reasoning behind this subtle caloric adjustment is not only physical, it's also psychological. Making a massive jump from 1800 to 3000 calories and seeing extreme amounts of body fat gain would be especially mentally taxing for me, for someone who deals with. So if you can see ki jo Tristan hai, inko is some mental issues, not mental issues, like in mental issues, like he wants to see himself really lean. Agar inko apna aap thoda chubby dikhna shuru karte ho to inko mentally kuch ho jata hai. To isliye 50-50 calories kar rahe the, to 6 mahine lagaye inhone 1800 se 3100 calories mein aane ke liye. Agar aapko koi gut issues nahi hai to aap aaram se calories badha sakte ho apni, lekin aapko bahut zyada calories badhane ki zarurat bhi nahi padti muscle mass add karne ke liye. Like the term bulking, jisme aapko bahut zyada calories zaya karni padti hai, aap mass gainers lete hain, sab cheeze lete hain. Mostly that is fat gaining. Kuch logon ke liye wo cheez theek hai jo log bahut hard gainers hain, lekin for majority of the people who have like koi medical issues nahi hai, koi gut issues nahi hai, slowly increasing your calories is going to get you there. Dysmorphia, or who always wants to maintain a particular physique. So to minimize the amount of fat gain and the amount of psychological damage that I could be potentially doing, adding in 50 calories per week and maintaining this pretty strict structure of my reverse dieting allows me to cancel out some of those negative effects. So now that we've covered the nutritional aspect, looking at caloric intake at a base level, it's important to also look at my energy expenditure, which will obviously affect this whole calories in, calories out mentality that you probably had jammed into the back of your brain. As I said, at the beginning of November, I was doing 4 HIIT sessions per week. These were generally anywhere from 15 to 30 minutes, and I was walking 15 to 20,000 steps per day, training 7 days per week, often times twice per day. Now I knew that a massive jump and a massive shift in energy expenditure would shock my body similarly to a massive jump in my caloric intake. So instead of jumping from doing all of this activity where I'm burning potentially another 600 to 800 calories per day and just cutting that out all out immediately, instead I tapered it off just the same way that I slowly added in these caloric increases. When you're structuring your reverse diet and you're lowering your activity or you're increasing your calories, it's important to make small jumps so that you engage what's actually happening and you can assess what's working and what's not. Starting in November, I began reducing the number of HIIT sessions that I was doing by 1 every single month. So for example, in November, I was doing 4 per month, and then December, I was doing 3 per month, January, I was doing 2 per month, February, I was doing 1, and then by March, I was doing no HIIT cardio at all. Each week, I lowered my steps by about 1,000. Now, of course, again, this can't be 100% accurate, but generally speaking, I was lowering my steps in my overall daily activity until I reached a point where I was just walking and gathering my steps through normal daily activities. Now, this doesn't mean that some days I don't get above 10,000 steps now, some days I get 6,000 steps. It's more just being okay with not getting this quote-unquote scheduled cardio in and making sure that I hit this 10,000 step mark every single day, because I know that that's just a recipe for persistent metabolic adaptations, and eventually I'm gonna hit a point, a threshold, where I'm gonna have to just continue increasing the steps as I did back in November of 2021 when I was at 15 to 20,000 steps per day, totally unsustainable. What the majority of people fail to account for is that when you're doing such extended bouts of excessive exercise and activity, your body actually slows down the other sorts of energy expenditure, non-exercise activity, thermogenesis, and movements throughout your day. So you may be tapping your foot less, you may be twiddling your thumbs a little bit less, and all of this stuff really does add up. To round this video out, I really want to make sure that you guys understand that this form of reverse dieting, of steady increasing, may not work for every single individual. I know for me personally, psychologically, I had to put these markers in place to ensure that I do continue to increase my calories, decrease my activity. Okay, so very, very good point here that Tristan made. Okay, thank you. First, of course, jo inka tarika, it's not going to work for everybody. Lekin when you're looking at something, jaise main jab bhi is type ki koi video review karta hu, to kaise agar food ke bare mein bolta hu, main bolta hu, don't copy the exact food items. Ab dekho ki koi bhi food है, वो आपके पेट में जाके उसका होता क्या, लाइक व्हाट आर द मैक्रोज इट हैज, व्हाट आर द माइक्रोज इट हैज, गट पे असर क्या है, इन सब चीजों का असर क्या है, तो उस हिसाब से यू कैन फाइंड इजी रिप्लेसमेंट. वैसे ही लाइक एज यू कैन सी इज वेरी मेथोडोलॉजिकल अबाउट हिज व्हाट ही डज, बहुत ही मतलब प्रॉपर मेथड्स हैं हर चीज के. जैसे जब ये 1800 कैलोरीज खा रहे थे, हर वीक एक एचआईटी सेशन कर रहे थे, उसका उन्होंने एचआईटी सेशन आहिस्ता आहिस्ता महीने में एक बार कर लिया. उसके बाद ऐसा नहीं कि जैसे हर दिन 15 से 20,000 स्टेप्स कर रहे थे तो एकदम ही 5,000 स्टेप्स पे आ गए. हर चीज को कम किया ताकि एक मेटाबॉलिक एडेप्टेशन हो सके. और क्योंकि इनका मेन मुद्दा क्या था, इनका मेन मुद्दा यहाँ पे था एक्सेस बॉडी फैट नहीं इनको जमाना है. उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आपका गोल क्या है. जैसे यू वांट टू लिफ्ट सम हैवी एस वेट्स, आपके दिमाग में वो चीज है कि मुझे ऐसी फिजिक चाहिए कि मैं वेट्स ज्यादा उठा सकूं. तो टेक एग्जांपल फ्रॉम स्ट्रांगमैन. आपने देखा स्ट्रांगमैन मैक्सिमम लोग का तो वेट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि मोस्ट लेवरेज मिलती है आपको फॉर हैवियर वेट अगर उठाना चाहते हो तो हैविंग गुड बॉडी मास. तो इसलिए यू हैव टू डिसाइड व्हाट टू डू, और उसके बाद हाउ टू डू वाला पार्ट इट्स गोइंग टू बी वेरी पर्सनलाइज. और जब आप बहुत बारी कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि दिस इज द वे दैट सूट्स मी to gain weight, to lose weight, or this is not going to be same for everybody. Like in principles, काफी हद तक काफी locally same ही रहते हैं. On a consistent basis, but I know for a lot of other people, psychologically, it may be easier just to take the leap of faith and add in those extra calories or stop the training, or some people are in different positions. I wanted to make this video not only to show you guys how I increased from 1800 all the way up to 3100, 3200 plus calories without gaining a ton of body fat, but to also admit of my mistakes and wrongdoings in the past with my training and diet protocols, because I truly do believe that if I'm not learning and consistently growing and giving you guys this information, then I'm just gonna be stuck in the same place and I would have continued down that same negative cycle. Not only has this major shift in my lifestyle, my training habits, my diet protocol, all that different stuff allowed me to
to get better with my training and continue to progress my training. I've also seen so many improvements outside of that with regards to my mood, my energy, my sleep. I went from sleeping 4 to 5 hours a night, and I know a ton of people struggle with sleep, to sleeping 8 hours pretty much every night and pretty much straight through rather than having those consistent interruptions. That being said, this certainly won't work for everyone, but I think it's a testament to the effects of lowering the stress on the body and allowing yourself to function the way that a normal human should function, improving your sleep, mastering your macronutrient profile, and eventually getting yourself in a position to build more muscle and live a happier life. Hopefully you've enjoyed this video and gained a little bit better. Okay, so अगर आप बहुत टाइम तक लोअर कैलोरीज पे हैं तो आपकी नींद असर होगी होगी, और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैट्रिक है जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि लोअर कैलोरीज किसी के लिए क्या है, या कैसे पता चलेगा कि आप बहुत स्ट्रेस में, जो आपकी नींद कॉम्प्रोमाइज होती है, क्योंकि जो सारी बिल्डिंग है ना हेल्थ एंड फिटनेस की, वो बनती स्लीप के ऊपर. अगर अच्छी स्लीप नहीं होगी तो बिल्डिंग ऊपर की शेकी होगी. तो अगर यू टू सम अप द वीडियो, इस पूरे वीडियो सीखने को क्या क्या मिला, तो रिवर्स डाइटिंग प्रोटोकॉल एक्चुअली है क्या. तो आप पहले स्लोली अपनी कैलोरीज कम करते हैं. मैं देखता हूँ बड़े लोग जब वेट लॉस करते हैं तो मुझे मैसेज करते हैं, मुझे वेट लॉस डाइट प्लान चाहिए. देखो, एक डाइट प्लान का भी पॉइंट ए से पॉइंट बी नहीं जा सकते. स्लोली लो योर कैलोरीज, उसके बाद जैसे आप एक जगह पे पहुंच गए, आपको लगे कि आप यू लाइक क्लीन एंड आफ्टर यू वांट टू ऐड सम मसल, स्लोली ऐड बैक कीजिए अपनी कैलोरीज. दैट बी नंबर वन. सेकंड पार्टी होता है उसके बाद की, जैसे कार्डियो हो गए, आपके एचआईटी सेशंस होते हैं, तो वो जैसे आप क्लीन होने जाओगे थोड़ा थोड़ा आप स्केल करोगे. लेकिन किस चीज को आपने देखना है कि ये ज्यादा हो रहा है, वो आपकी स्लीप है. अगर ऐसा लग रहा है कि बड़े से ढंग से सोए नहीं हो, तो आई वुड से कि टर्न बैक टू बेसलाइन कैलोरीज फॉर सम डेज, लाइक 4-5 दिन, जब तक नींद नॉर्मल नहीं होती. क्योंकि नींद नॉर्मलाइज नहीं होगी तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पूरे प्रोसेस की, वो है कि ऑप्टिमल हार्मोन, वो कॉम्प्रोमाइज होएंगे, तो उससे काम नहीं बनेगा. तो गाइस, एट द एंड ऑफ द डे, आप जितनी बार ये प्रोसेस करोगे ना, आपको उतना अपनी बॉडी वेयर में ज्यादा पता चलेगा. इसलिए जो लोग कंपेटिटिव बॉडी बिल्डर्स, उनको मैं क्या बोलता हूं, एटलीस्ट इफ यू वांट टू कम्पीट, पहले एक बार 4-5 बारी साइकिल कर लो. आपको जब आप देखो कि ये जो 3-4 चीजें हैं, डाइट हो गया, ट्रेनिंग हो गया, उसके बाद कार्डियो हो गया, अलग टाइप के कार्डियो हो गए, आपको सूट कैसे करते हैं, ठीक है. एक बार आपने ये कॉकटेल पूरी बना ली, फिर ड्रग्स डालोगे तो काम आसान हो जाएगा. लेकिन आप एक साल भी ट्रेनिंग करते हुआ ना ड्रग्स डाली तो आप कभी सीख ही नहीं पाओगे. आई होप गाइस यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन, बाय.